हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर बेसिक सिंटैक्स जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके अंदर पहले तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी रहेगी कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिक सिंटैक्स। इससे पहले हमने जो भी चीज़ पढ़ी थी माइक्रो प्रोसेसर के रिलेटेड, उसके अंदर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर, वो सारी चीज़ें आ गई थी। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड ये प्रोग्राम यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो उसके कितने सिंटेक्स रहते हैं, बेसिक सिंटेक्स के अंदर कितने तरीके के सेक्शन के अंदर उसको डिवाइड किया गया है वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम रहते हैं उसको तीन सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कि डेटा सेक्शन, सेकेंड है BSS सेक्शन एंड थर्ड है टेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो इनों तीनों टेक्स्ट डेट सेक्शन की मदद से ही हमारा जो प्रोग्राम रहता है असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, तो उसकी मदद से ही असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डेटा सेक्शन क्या रहता है। तो डेटा सेक्शन के अंदर वन टाइप ऑफ कि डेटा सेक्शन इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग इनिशियलाइज डेटा और कॉन्स्टेंट। मतलब जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, या फिर डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल हमें या फिर कांस्टेंट वेरिएबल हमें बनाना पड़ता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें डेटा या कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटा सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके के डेटा को आप डिक्लेयर करना चाहते हो या फिर वेरिएबल को बनाना चाहते हो तो उसके लिए डेटा सेक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड है कि दिस डेटा डज नॉट चेंज एट रन टाइम। मतलब जो भी डेटा आप दे रहे हो वो वन टाइप ऑफ आपने कंपाइल टाइम से पहले दे दिया है, एक बार आपने दे दिया उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाता है। तो असेंबलर का प्रोग्राम जैसे किसी भी तरीके से आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको वैल्यू या फिर आगे किस किस तरीके की प्रॉब्लम आने वाली है उसके बेस पे सारा डेटा एडजस्ट करके वहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी ने यही बताया कि आप रन टाइम पर चेंज आप नहीं कर सकते, मतलब कंपाइल टाइम के टाइम पर ही आपको जो भी वैल्यू है या फिर डेटा है उसको दे देना है। फिर है कि यू कैन डिक्लेयर वेरियस कॉन्स्टेंट वैल्यू, फाइल नेम्स और बफर साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि बहुत अलग अलग तरीके के आप कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू आप बना सकते हो। फाइल के नाम ऑलरेडी आप वहाँ पे बना के रख सकते हो कि इसी तरीके से मेरे पास फाइल का नाम आएगा, या फिर बफर की साइज रहती है उसको भी आप यहाँ वहाँ पे फिक्स करके रख सकते हो, इतना ही इसके अंदर बफर होगा मतलब डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर जैसे ही ये डेटा बफर फुल होगा तो उसके आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए वो भेज देगा, मतलब इतना ही डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो ये वहाँ पे लिमिटेशन होगी। तो क्या क्या आप डेटा सेक्शन के अंदर कर सकते हो, तो यहाँ पे बताया गया कि यू कैन डिक्लेयर वेरियस कॉन्स्टेंट वैल्यू, फाइल नेम और बफर साइजेस। ठीक है, और एक्स्ट्रा तो उसके बनाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि सेक्शन डॉट डेटा दोगे तो आपका सेक्शन का जो वन टाइप ऑफ एक पोर्शन है वो बन जाएगा और उसके अंदर आप कितने भी डेटा वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि BSS सेक्शन। ठीक है, तो BSS सेक्शन एग्जैक्टली क्या करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि BSS सेक्शन इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो आगे हमने देखा वो क्या था कि इस डेटा को आप डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर मतलब वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, उसी के अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। मतलब आपको डेटा सेक्शन बनाया उसके अंदर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो या फिर फाइल का नाम कॉन्स्टेंट, इस तरीके से अलग अलग तरीके के टाइप आप वहाँ पे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको BSS सेक्शन वहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारा कुछ लिखना है। द टेक्स्ट सेक्शन इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एक्चुअल कोड, मतलब जिस तरीके का हमें वहाँ पे लॉजिक लगाना है, मतलब किसी भी तरीके की हमें प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी है, तो वो सारी चीजें आपको टेक्स्ट सेक्शन के अंदर देनी रहेगी। मतलब एक्चुअल कोड हमारा कहाँ पे रहेगा, टेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके पहले हमें लाइब्रेरी फाइल अटैच करवानी पड़ती है, तो वो सारा कुछ हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली क्या करना है कि हमें दो तीन सेक्शन, मैक्सिमम तीन सेक्शन आते हैं इसके अंदर, तो उसी तरीके के सेक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करने रहते हैं। ठीक है, फिर एक ही द सेक्शन मस्ट बिगिन विद डिक्लेरेशन ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार, मतलब आपका जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार नाम के वेरिएबल के थ्रू आपका एक्चुअल कोडिंग आप स्टार्ट उसके नीचे से कर सकते हो। जैसे आप
सी लैंग्वेज के अंदर वर्ल्ड मेन लिखते हो तो वर्ल्ड मेन के नीचे से आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसके अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर भी ग्लोबल स्टार्ट नाम का एक फंक्शन रहता है, असेंबली लैंग्वेज रहती है, जिसकी मदद से आपको उसके नीचे से या फिर उसके अंडर में सारी प्रोग्रामिंग या कोडिंग करनी रहती है। विच टेल द कर्नल वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीइंग नीड, जैसे वर्ड मेन के अंदर होता है कि वर्ड मेन के अंदर जो भी लिखा हो जो रीड करना है उसको रन करवाना है, तो वैसे ही यहाँ पर भी ग्लोबल स्टार्ट नाम का एक कमांड रहता है जिसके अंदर आपको सारी कोडिंग करनी रहती है। जो ग्लोबल स्टार्ट है वो कर्नल मतलब सिस्टम को बताएगा कि प्रोग्राम की कोडिंग जो लिखी है वो यहाँ से रन करनी चालू करनी है, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल भी यहाँ पे दिए गए कि section.txt इस तरीके से आप सेक्शन बनाए उसके अंदर ग्लोबल स्टार्ट और यहाँ से अंडरस्कोर स्टार्ट करके आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये तीन तरीके के अलग अलग सेक्शन दिए गए, इसके अंदर आपको सारी कोडिंग करनी रहती है, ठीक है, एक्चुअल कोडिंग जो भी रहती है वो चीज। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक ही कमेंट्स, तो प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट आप किस तरीके से दे सकते हो वो भी यहाँ पे दिया गया है। असेंबली लैंग्वेज कमेंट बिगिन विथ सेमीकोलन, मतलब आपको कभी भी कमेंट देनी है तो सी लैंग्वेज के अंदर आप डबल स्लैश लिखते हो या फिर स्लैश स्टार लिखते हो, मल्टीपल लाइन के लिए भी और सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश और मल्टीपल लाइन को आपको कमेंट देनी है तो स्लैश स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको कमेंट देनी है किसी भी चीज को तो उसके लिए कमेंट सिस्टम के लिए सेमीकोलन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर है कि इट मे कंटेन एनी प्रिंटेबल कैरेक्टर इंक्लूडिंग ब्लैंक, ठीक है। तो किसी भी तरीके की चीज को मतलब ब्लैंक को भी आपको मतलब आपको लाइन वहां पे कभी भी छोड़नी नहीं है, मतलब आप वहां पे स्पेस या फिर लाइन ब्लैंक नहीं रख सकते। अगर आप लाइन ब्लैंक पे रखते हो तो उसके लिए वहां पे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में सेमीकोलन करके देना पड़ेगा, ठीक है, क्यों आपने लाइन ब्लैंक छोड़ी, ठीक है। इट कैन अपीयर ऑन लाइन बाय इटसेल्फ, तो जो भी चीज रहती है वो आपको लाइन बाय लाइन ही सारा प्रोग्राम आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर एग्जांपल उसके दिए कि देखो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कुछ कमांड नहीं दिया, कभी डायरेक्टली सेमीकोलन और लाइन आपने छोड़ दी तो उसकी कमेंट यहाँ पे हो गई, तो ये कमेंट हो गई वन टाइप। उसके बाद यहाँ पर भी सेम दिया है कि ये आपका कोड है, ठीक है, आपने यहाँ पे कोडिंग की हुई है और यहाँ पे आपने सेमीकोलन के बाद ये कमेंट दिया, मतलब आपकी जो लाइन रहती है इसके अंदर इतना ही कोड वो रीड करेगा, सेमीकोलन के बाद का डेटा रीड नहीं करेगा, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप कमेंट यहाँ पे दे सकते हो। तो कमेंट सेक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया और इस कितने सेक्शन उसके अंदर है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन के बाद हमारे पास आता है कि असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट कितनी तरीके की होती है और किस तरीके से वो वर्कआउट करता है, ठीक है। वो हमने शायद आगे भी पढ़ा था पर वो डिटेल में था, यहाँ पे उसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया गया कि किस तरीके से आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है, और किस तरीके से होता है सारा कुछ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिया गया कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो तीन तरीके के स्टेटमेंट की मदद से वो चलता है, मतलब आप जैसे हमारे सी लैंग्वेज के अंदर एरे आता है, स्ट्रिंग आती है, लूप आती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम थिंग आती है, ठीक है, वही आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन ओनली इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी रन होने वाली इंस्ट्रक्शन रहती है वो चीज आ जाती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, मतलब एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो रन होने वाली इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट है। फिर एक ही असेंबलर डायरेक्टिव और सुडो ऑप्स, असेंबली डायरेक्टिव मतलब पहले से ही असेंबलर के पास बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल पड़ी होगी, उसमें से ही डेटा सारा रीड करना है, ठीक है। तो उसमें से भी मुझे पता चलेगा कि इस तरीके से मुझे 0101 के अंदर डेटा को कन्वर्ट करना है, तो वो भी उसको पता होना चाहिए, तो इसके लिए डायरेक्टिव्स का यूज किया जाता है। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एज एसटीडी और फाइल लगाते हैं, तो वैसी तरह यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टरी का भी यूज किया जाए, या फिर सुडो ऑप्स को, मतलब पहले से ही वेरिएबल डेटा फिक्स रहता है उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फिर एक मैक्रो, ठीक है, आपको अपनी तरीके से असेंबलर डायरेक्टिव या सुडो कोड आपको बनाना है तो उसके लिए मैक्रो नाम की एक अलग से लैंग्वेज आती है, उसकी मदद से आपको असेंबलर डायरेक्टिव की डायरेक्टिव या फिर सुडो कोड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी मतलब पी साइलेंट होता है, सुडो कोड सुडो ऑप्स इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता है। तो ये तीन तरीके की अलग अलग असेंबलर स्टेटमेंट रहते हैं जिसकी मदद से असेंबली लैंग्वेज को आप रन कर सकते हो। फिर उसका थोड़ा एक्सप्रेस डिस्क्रिप्शन दिया गया कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर असेंबलर डायरेक्टिव और मैक्रो क्या होता है एक्जेक्टली, ठीक है।
तो यहाँ पे बताया गया द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन और सिंपली इंस्ट्रक्शन टेल द प्रोसेसर व्हाट टू डू, मतलब जिस तरीके से आपके पास exe फाइल रहती है या फिर सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहती है उसको किस तरीके से प्रोसेसर के अंदर रन करवाना है वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। फिर एक इच इंस्ट्रक्शन कंजिस्ट ऑफ ऑपरेशन कोड, मतलब ऑप कोड, मतलब जो भी आपका कोडिंग रहता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रहती है वन टाइप ऑफ ऑप कोड, मतलब एक सिम्बोलिक फॉर्मेट के फॉर्म में रहता है, मतलब मेमोरी कोड भी बोलते हैं। फिर इच एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जनरेट वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन रहती है उसको जनरेट करने के मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको पास किया जाता है असेंबलर के अंदर। The assembler directive or sudo ops tell the assembler about the various aspects of assembly process. मतलब किस तरीके की वहाँ पे प्रोसेस करनी है वो कौन डिसाइड करता है, कि असेंबलर डिसाइड करता है कि मुझे इस तरीके का असेंबलर डायरेक्टिव मिली है या फिर sudo ops मिला है, ठीक है, उसको इस तरीके से रन करवाना है या फिर किसी दूसरे तरीके से उस प्रोसेस को रन करना है। फिर एक दिस आर नॉन एग्जीक्यूटेबल एंड डू नॉट जनरेट मशीन लैंग्वेज, मतलब इसके बाद जब sudo ops जनरेट हो जाता है या फिर असेंबलर डायरेक्टरी के अंदर वो डेटा स्टोर हो जाता है उसके बाद किसी भी तरीके की मशीन लैंग्वेज के अंदर वो कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली फिर प्रोसेसर को ही वो सारा काम दिया जाता है कि इसको आपको प्रोसेस करना है। फिर एक मैक्रो आर बेसिकली अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, मतलब आप अपनी तरीके से भी कुछ कोडिंग ऐड करना चाहते हो असेंबलर के अंदर तो उसके लिए आपको मैक्रोस दी गई है, जैसे कि एक्सेल और वर्ड के अंदर आपको कोई फंक्शनलिटी नहीं डालनी है तो उसके लिए आपको मैक्रो के अंदर विजुअल बेसिक के अंदर कोडिंग आपको करनी रहती है, मतलब जो भी आप कोड लिखोगे वो आपका जो मैक्रो एक्सेल है या फिर वर्ड है उसके अंदर वो सारा इनबिल्ट हो जाएगा, मतलब उसके कोड के साथ आपका कोड अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पर रन होती है, ठीक है, इस तरीके से वर्कआउट ये सारी चीजें करती है। फिर आगे बढ़ते हैं कि सिंटैक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, ठीक है, तो जो भी हमने स्टेटमेंट वहां पे ऊपर पढ़ी है तो ऑप कोड क्या होता है, लेबल क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई। उसके बाद एक प्रोग्राम भी आपको दिया गया जो आपको समझाएगा कि किस तरीके से वो सारा कुछ वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट आर एंटर वन स्टेटमेंट पर लाइन, मतलब जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो भी लाइन रीड होती है वो लाइन टू लाइन रीड होगी, कभी भी एक साथ सारा कुछ रीड नहीं करता असेंबलर, ठीक है, तो एक टाइम पर एक ही लाइन रीड करेगा और उसके बाद ही दूसरी लाइन के अंदर जाएगा। इच स्टेटमेंट फॉलो द फॉलोइंग फॉर्म, मतलब जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन दी जाती है हर एक कितने भी आपके पास लाइन रन करने के लिए हो तो वो लाइन किस तरीके से रन करता है तो उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है जो यहाँ पे दी गई है कि लेबल, मतलब पहले आपको लेबल डिफाइन करना पड़ेगा, फिर कोडिंग स्टार्ट करनी है तो उसका एक लेबल होगा, ठीक है, लेबल मतलब एक पहचान उसकी कोड की कि यहाँ से ये कोड नया कोड स्टार्ट हो रहा है। फिर मेमोनिक कोड मतलब एक सिंबॉलिक कोड रहेगा, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐड करना है, मूव करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारी मेमोनिक कोड के अंदर हमारे पास पहले से ही वर्ड फिक्स रहते हैं। उसके बाद एक ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब क्या हो जाता है कि कौन से वेरिएबल के अंदर मुझे डेटा डालना है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाए, उसके बाद यहाँ पे कमेंट और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जो हम अभी हम आगे देखने वाले हैं, उसके बाद है कमेंट। तो इस तरीके से सिंटेक्स आएगी या फिर इंस्ट्रक्शन आएगी, इसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं आएगा। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, तो फील्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर ऑप्शनल, जो ब्रैकेट के अंदर आपको सारा कुछ दिया गया वो ऑप्शनल है, ठीक है। द बेसिक इंस्ट्रक्शन हैज अ टू पार्ट, द फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या करना है उसके साथ, मतलब और मेमोनिक कोड, उसको मेमोनिक कोड यहाँ पे बोला गया, which is to be executed and second are the operand or parameter of the command, मतलब जो भी आप operand दिए है, ठीक है, उसके memory code की मदद से वो code क्या करना चाहता है उसके साथ operand के साथ वो यहाँ पे memory code के अंदर लिखा, मतलब उसके दो ही part है, ठीक है, first one है कि memory code और दूसरा है second, ये दोनों तो compulsory आएगी ही आएगी, comment और label नहीं आएगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये optional है पर बाकी memory code और operand दोनों फिक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी दिया गया है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई, तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी थोड़ी प्रोग्रामिंग थी और थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, इसका प्रोग्राम हम रन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें एक प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, जो डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है। उसके लिए लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि NASM नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोग्राम की कोडिंग दे सकते हो, पर उसको रन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोग्रामिंग कर सकते हो पर रन नहीं कर सकते, ये चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, जो शायद अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा भाई किस तरीके से वो वर्कआउट होता है या फिर कोडिंग किस तरीके से आप कर सकते हो इसके अंदर, ये हार्डवेयर लेवल की कोडिंग। ठीक है, तो उसकी सिंटेक्स तो हमें समझनी पड़ेगी भी क्या चीज़ होती है इसके अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे सारा कुछ हम लेक्चर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिया गया है जिसको आपको समझना है कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि INC फिर काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक इंक्रीमेंट मेमोरी वेरिएबल के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, और उसके अंदर मुझे इंक्रीमेंट करता रहना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसकी मदद से, मतलब ये मेमोनिक कोड है और ये आपका ऑपरेंड है, मतलब वेरिएबल है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट द मेमोरी वेरिएबल काउंट, फिर ये कि मूव टोटल 48। मूव मतलब क्या हो गया कि 48 को मुझे टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर, मतलब मूव हमारा एक मेमोनिक कोड है और टोटल हमारा ऑपरेंड है और 48 हमारा वेरिएबल मतलब डेटा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 48 को उसने टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर, बीच में आपको कोमा देना पड़ेगा, वेरिएबल और डेटा के बीच में आपको कोमा देना पड़ता है ताकि ये डेटा इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि 48 टोटल के अंदर ट्रांसफर होता, कभी कभी कोई कमांड के अंदर, मतलब ये जो मेमोरी कोड रहता है उसके अंदर क्या होता है कि टोटल है वो 48 के अंदर, इस तरीके से भी आप डेटा को ट्रांसफर हो, मतलब वाइस वर्सा दोनों आप कर सकते हो। वो किस पे डिपेंड रहता है, आपकी जो कमांड रहती है उस पे। तो यहाँ पे जो मेमोरी कोड है वो फिक्स रहते हैं, इसके अलावा आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दी गई है कि बहुत अलग अलग तरीके के मेमोनिक कोड यूज किया जाता है, उसके भी बहुत वैरायटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ असेंबली लैंग्वेज की जो बेसिक सेंटेंस होती है वही आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ताकि आपको मेमोनिक कोड, ऑपरेंड, वेरिएबल, डेटा, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आने लगे। ठीक है, फिर तो इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है कि ट्रांसफर द वैल्यू 48 इन मेमोरी वेरिएबल टोटल। ठीक है, तो टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर 48 को ट्रांसफर किया गया। फिर एक एड AH कॉमा BH, तो यहाँ पे क्या दिया गया कि एड द कंटेंट ऑफ BH रजिस्टर, मतलब BH एक रजिस्टर है जैसे हमने आगे बढ़ा था, तो BH रजिस्टर इंटू AH रजिस्टर, मतलब BH के अंदर जो डेटा रहता है वो AH के साथ जोड़ देगा, मगर इसके अंदर 10 रहेगा तो इसके अंदर 5 रहेगा, तो दोनों का सम होके यहाँ पे AH के अंदर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का सम, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एड। फिर एक एंड mask 1 and 128, perform end operation on the variable mask 1 and 128, मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है कि दोनों के अंदर अगर वेरिएबल कुछ भी पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा कि चेक करेगा डेटा है कि नहीं है। फिर उसके बाद add 10 है वो marks के अंदर add कर देगा, तो add 10 the variable marks। फिर एक की move, तो 10 को वो AL नाम के रजिस्टर के अंदर या फिर ट्रांसफर कर देगा AL नाम के रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसफर द वैल्यू 10 टू द AL रजिस्टर, तो इस तरीके से वो डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिंपली कोडिंग थी, सिंपल ही कोडिंग थी, कुछ ज्यादा चीज समझने नहीं है हमें, क्या होता है किस तरीके से होता है वो ज्यादा समझना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पहले से ही बताई गई है कि भाई क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे आप ऑपरेंड बना सकते हो, वेरिएबल अपनी तरीके, वो सारा कुछ यहाँ पे कैपिटल में ही आएगा, स्मॉल में आप नहीं लिख सकते हो। कोई कोई असेंबलर होता है जिसके अंदर ही आप स्मॉल में कोडिंग कर सकते हो, ठीक है, कैपिटल में आप वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, जो तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज है, उसकी यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग दी गई है कि किस तरीके से आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहले तो आपको क्या दिया कि section.txt, मतलब इसके अंदर आपको प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको दिया गया, मतलब ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार्ट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। फिर उसके बाद अंडरस्कोर स्टार्ट और कॉलम, वो यहाँ से आपको जो भी एक्चुअल कोडिंग वो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया कि मैसेज लेंथ, मतलब EDC, मतलब मूव लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा EDC नाम के वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर हो जाए, फिर मूव मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा रहता है वो ECX के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 है वो EBX के अंदर ट्रांसफर हो गया और 4 है वो EX के अंदर, फिर इंटीजर 0x80। तो कर्नल को यहाँ पे कॉल करने का एक तरीका है कि कर्नल मतलब हार्डवेयर को, ठीक है,
तो इस तरीके से ये सिस्टम रन हो गई, फिर सिस्टम कॉल नंबर मतलब वहां से वो डेटा उठाएगा, ठीक है, यहाँ से डेटा उसने उठाया और कर्नल को यहाँ पे वापस उसने कॉल किया, और जो भी डेटा आपका रहता है ठीक है वो सेक्शन डेटा नाम के पोर्शन के अंदर आपको डालना था, उसके लिए आपको क्या दिया गया, मैसेज डीबी, ठीक है, मैसेज डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैसेज नाम का वेरिएबल आपके पास था, उसके अंदर क्या किया कि डीबी नाम के वेरिएबल के अंदर आप ट्रांसफर कर दिया क्या, हेलो वर्ल्ड, फिर 0xA स्ट्रिंग टू प्रिंट है, मतलब जो भी डेटा है वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, प्रिंट होनी चाहिए। फिर लेंथ दिया है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो भी मैसेज की लेंथ है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी दी गई है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि EX, ECX ये चीजें क्या होती है, तो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, क्या चीजें होती है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ सेक्शन क्या क्या होता है, किस तरीके से वर्कआउट होता है, वो आपको यहाँ पे सिर्फ बताया गया है। इसको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो कि क्या होता है, ये मेमोरी कोड है, ये वेरिएबल है, उसकी लेंथ है, तो फिर इस तरीके से आपको सारा कुछ समझ अंडरस्टैंड करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर एक कंपाइलिंग एंड लिंकिंग एन असेंबली प्रोग्राम इन NAS, मतलब किसी भी तरीके की असेंबली लैंग्वेज को आप असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करना है तो उसके लिए आपको NASM की जरूरत पड़ेगी। तो NASM मतलब नेट वाइड असेंबलर, ठीक है। तो दो तीन तरीके की असेंबली असेंबलर आता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जिसके अंदर से सारी प्रोग्रामिंग आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो जो भी प्रोग्राम आपने ऊपर बनाया है उसको रन करने के लिए आपको कितनी प्रोसेस करनी पड़ेगी वो यहाँ पे बताई गई है, मतलब कंपाइल करने की। सिस से आपको रन इसको आप रन इसको नहीं करवा सकते, रन करोगे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत या फिर असेंबलर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो भी आपने ऊपर प्रोग्राम बनाया है उसको किस तरीके से सेव कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी गई। टाइप ऑफ अबव कोडिंग इज यूज टेक्स्ट एडिटर, मतलब किसी भी तरीके के टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हो, पर जो भी आप प्रोग्राम बनाए तो उसको स्टोर करने के लिए .asm के नाम से आपको स्टोर करना पड़ेगा। फिर एक ही मेक श्योर डेट यू आर इन द सेम डिरेक्टरी एज वेर यू सेव द hello.asm, मतलब आपको कमांड ओपन करना है और कमांड के अंदर मतलब आपको रन करने के लिए आप कहाँ पे जाना है, cmd ओपन करना है और उसकी सेम डायरेक्टरी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा। फिर टू असेंबल द प्रोग्राम टाइप NASM-F, ELF और hello.asm, इस तरीके से आपको जो प्रोग्राम है hello.asm उसको रन करने के लिए इतनी कमांड आपको देनी पड़ेगी, पर उसके लिए आपको NASM को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके पहले जो भी एनवायरनमेंट उसकी प्रोसीजर रहती है वो सारी कुछ आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा, सिर्फ रन नहीं होगा, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया सिर्फ कंपाइल होगा। इफ देयर इज एनी एरर यू विल बी प्रॉम्प्टेड अबाउट दैट एट दिस स्टेज, मतलब उसी टाइम पे आपको एरर दे देगा। अदरवाइज ऑन ऑब्जेक्ट फाइल ऑफ योर प्रोग्राम नेम hello.o विल बी क्रिएटेड, तो वहां पे आपको hello.o नाम की फाइल बनके दिखाई देगी, उसके अंदर उसका आउटपुट होगा, ठीक है। डायरेक्टली आपकी प्रोग्रामिंग वो रन नहीं होगी, कभी बता रहा हूँ मैं। फिर एक टू लिंक द ऑब्जेक्ट फाइल एंड क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम हेलो टाइप LD-M ELF I368-, तो इस तरीके से ये सारा कुछ, मतलब इसको आपको रन करना है तो उसके लिए आपको इस तरीके की कमांड यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रोग्राम है उसकी आउटपुट आएगी, ठीक है, जैसे जावा के अंदर होता है वैसे ही। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बाई टाइपिंग .hello रन करने के लिए आपको इतनी प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारा कुछ वर्कआउट होता है, ठीक है। आगे पॉसिबल होगा तो समथिंग माइक्रो वर्सन कर रन करने की भी कोशिश करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप एनवायरमेंट सेटिंग भी करनी पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमारे टॉपिक्स है कि किस किस तरीके से सारा कुछ सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स, स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसकी कोडिंग, मेमोरी कोड, वो सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर के अंदर देखी है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।